23 मई को होने वाले मतगणना को लेकर बीजेपी कार्यालय पर बुधवार को मतगणना को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधानसभावार पार्टी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने की। इस अवसर पर हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री पीके मल सहित भारी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन चुनाव जीत रहे हैं, एक बार फिर मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने कहा, आइए मतगणना अभिकर्ता यहाँ आए हुए हैं। आप सभी से आग्रह, जो समय निर्धारित किया गया है 5:45 तक हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। यहीं पे जलपान की व्यवस्था और जो सामग्री है आपको खुला है, ये नहीं कि अगर छूट गए तो फिर उनका प्रवेश हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसा कि डॉक्टर आनंद गुप्ता जी ने बताया, परिणाम घोषित है कि हम 300 नहीं 400 पार होने वाले हैं और पूरे भारतवर्ष में एक साथ भारत माता की जय। सूचना तो आपको बनी वक्त ना कल 6:05 नहीं सभी को आज करना है, बाद में आने वाले को प्रवेश नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लोग को अपने सातों चरण के मतदान संपन्न होने के पश्चात अपने गोरखपुर लोकसभा के का मतदान 19 तारीख को संपन्न हुआ और पूरे भारतवर्ष में एक साथ कल 23 तारीख को यानी 23 मई को मतगणना का कार्य प्रारंभ होगा। उसी तैयारी के लिए आज हमारे 64 गोरखपुर लोकसभा के सभी कार्यकर्ता यानी पांचों विधानसभाओं के जो मतगणना अभिकर्ता हैं उनकी एक बैठक यहाँ आहूत की गई थी। इस बैठक में यद्यपि सभी कार्यकर्ता अनुभवी हैं, उन्हें सब जानकारी है, कई वर्षों से वो चुनाव कराते आ रहे हैं, उन्हें बहुत बड़ा अनुभव है, लेकिन फिर भी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरा किया गया और उन्हें बताया गया है। कल प्रातः हम लोग यहाँ पर 6:00 केंद्रीय कार्यालय पर यहाँ पर हम सभी की उपस्थिति होगी और फिर एक साथ हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय जहाँ पर काउंटिंग सम्पन्न होनी है, एक साथ सभी कार्यकर्ता वहाँ पर जाएंगे और काउंटिंग के कार्य को, मतगणना के कार्य को हम लोग वहाँ प्रारंभ करेंगे। और निश्चित तौर पर ये जिस प्रकार की सूचनाएं हैं और जो एग्जिट पोल आया है, कार्यकर्ताओं का अदम्य उत्साह और जो प्रदर्शन उनका था और मोदी जी की लहर को देखते हुए एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी 2019 में अपनी सरकार बनाने जा रही है और NDA को 400 पार का बहुमत मिलने जा रहा है। निश्चित तौर पर इसके लिए कार्यकर्ता को हम सभी बधाई देना चाहते हैं, उनके उत्साह को प्रणाम करना चाहते हैं और मोदी जी और योगी जी ने जो विकास कार्य किए हैं, 2019 में पुनः मोदी जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और देश अपने परम वैभव को प्राप्त होगा। निश्चित तौर पर इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं।